लॉकडाउन में निम्न आय वर्ग के लोगों की खराब हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बिजली पानी और मकान का बिल किराया साथ ही स्कूलों की फीस माफ करने की मांग उठाई। साथ ही सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा इलाज के लिए भेजे गए पैसे की बंदरबांट के साथ कोविड मरीजों का शोषण किया जा रहा है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग लगातार करीब महीनों से हम लोग सर्वे किया, पूरे जनता के बीच में जाकर एक ही मांग निकली कि जब तक महाकोरोना महाकाल चल रही है, जब तक कोरोना ये रहेगी, हम लोग स्कूल के बच्चों को फीस माफ़ हो, नगर निगम का टैक्स माफ़ हो और तमाम जो कि सुविधा उसको माफ़ हो, टैक्स लेकर और परिवहन विभाग के जितने भी टैक्स उसको माफ़ हो। और एक मांग हम लोग जबरदस्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो छन के आई बात, हम लोग लगातार एक जो मरीजों के कोरोना काल में हम जाकर मुलाकात भी किए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, लोग के यही कहना है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो सीधा जो पैसा इलाज के लिए आ रहा है उन लोगों के खाते में, सीधा वो जनता के खाते में आए जिससे जनता सुचारू रूप से अपना मतलब इलाज करा सके। जो कोरोना के नाम पर जा कोई भी जा रहा है, आम जनमानस जा रहा है, उसको कोरोना पॉजिटिव बना दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव के नाम पे लंबा खेल खेला जा रहा है और उसी खेल पर समझ लीजिए लोगों का व्यापार बंद है, रोजगार बंद है।